नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे किचन शो में। आज मैं आपके लिए पानी पूरी की रेसिपी लेके आई हूँ और आपको बना के दिखाऊंगी। दोस्तों, मैंने पानी पूरी का पानी बनाने के लिए पुदीना ले रखा है, ये देखिए, और नींबू और जीरा भून रखा है मैंने, काली मिर्ची भुनी हुई है और काला नमक। अब मैं इसको मिक्सी में पीसूँगी, देखिए। आपको मैं पीस के दिखाती हूँ। स्वाद अनुसार हमने काला नमक है, स्वाद अनुसार लेना है हमने। आपको मैं पीस के दिखाती हूँ। दोस्तों, मैंने पुदीने की चटनी बना ली है ये, और नींबू निचोड़ दिया। अब मैं इसका पानी बनाऊँगी गोलगप्पे का। देखिए, खट्टा पानी, खट्टा मीठा। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक, काला नमक तो मैंने पहले डाल दिया था इसमें थोड़ा सा, लाल मिर्च और जीरा मैंने पीसा है। मैं इसमें पानी मिलाऊंगी। इतनी अच्छी खुशबू आ रही। जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आपने इसमें पानी ऐड करना है। देखिए, इतना अच्छा हो गया कलर। दोस्तों, मैं आपको कभी बना के मसाला दिखाऊंगी। इसमें मैंने बहुत चीज़ें मिक्स करी हैं, ये गोलगप्पे के लिए ही मसाला। इसमें हींग, जीरा, बहुत कुछ मैंने ऐड कर रखा है। ये देखिए कितना सुंदर पानी हो गया, ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा मोटा भी नहीं। दोस्तों, थोड़ी मैं अमचूर पाउडर डालूंगी इसमें। थोड़ा नींबू से खट्टापन कम आया है, मेरे बच्चे खट्टापन पसंद करते हैं। अगर आपको खट्टा चाहिए तो अमचूर पाउडर डाल देना, या आम आपके पास आम हो तो उसकी चटनी बना दी पीस के। ये देखिए, नमक का स्वाद मैं देख लेती हूँ इस तरीके से। क्या मस्त हो रहा है। ये देखिए, मैंने 200 ग्राम सूजी ले रखी है, मोटी है और छान रखी है। मैं इसमें ऐड करूँगी, और गर्म पानी है ये। ये देखिए, गर्म पानी ही चाहिए हमें, ज़्यादा ठंडा नहीं। और इसमें थोड़ा मैं रिफाइंड ऐड करूँगी, रिफाइंड से इसको मलूँगी। रिफाइंड से कुरकुरे होते हैं, और पानी की हमें बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी इसमें। मैंने इतना पानी लिया है, एक गिलास। इस तरीके से आपने बनाना है, ये देखिए। ये देखिए, अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी इस तरीके से, थोड़ा 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 करना, नहीं तो ज़्यादा गीला हो जाएगा। देखिए दोस्तों, गर्म पानी से फूलती है सूजी। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा पानी लगता है, ज़्यादा नहीं, इतना लिया था मैंने, बिल्कुल थोड़ा ही लगा इसमें। अब मैं इसको अच्छी तरह से मल लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने अच्छी तरह से इसको गूंथ दिया है, कितना सॉफ्ट हो गया आटा ये।
अब मैं इसको 20 मिनट के लिए रखूँगी क्योंकि ये फूलेगा, फिर फूलता है आटा। ये देखिए दोस्तों, आटा मेरा गूंद गया है ये सूजी का। पानी पूरी बनाऊंगी। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने बेल लिया है ये। ज़्यादा मोटा भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं, बिल्कुल रोटी का जैसा बेल लिया हमने। ये देखिए, मैंने पानी की बोतल का ढक्कन लिया है इस तरीके से। अब मैं इसके गोल आकार बनाऊंगी। लंबे करने हैं तो इस तरीके से बेलन लगा चला लिया। ये देखिए लंबे हो जाते हैं ये इस तरीके से। देखिए दोस्तों, तेल गरम हो चुका है। अब मैं गोलगप्पे फ्राई करती हूँ। ये देखिए, देखिए हाँ, तेजी होनी चाहिए इस तरीके से। ये देखिए कितनी अच्छी तरह फूल चुके हैं ये। बस हमने इसमें ऐड करना है फटाफट इस तरीके से। ये देखिए, और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल चुके हैं। क्या मस्त दिख रहे हैं, वाह मज़ा आ गया। दिख रहे हैं नहीं हलवाई जैसे। ये देखिए, फटाफट हमने इनको सीधे निकाल भी देने हैं क्योंकि जल जाएंगे। कैसी आवाज़ें आ रही हैं बर्तन में जी। बहुत अच्छी तरह फूल जाते हैं ये इस तरीके से। दोस्तों, गोलगप्पे रेडी हो चुके हैं, पानी भी, मटर के छोले, और मैंने चटनी बनाई है इमली की, खट्टी मीठी। ये देखिए इतनी अच्छी तरह से पक चुके हैं गोलगप्पे। देखिए आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ, कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है दोस्तों। इसी तरीके से आप भी घर पर ट्राई करना, और आपको मैं भर के दिखाती हूँ कैसे खाए जाएं करके। ये देखिए कितने क्रंची हो रहे हैं ये इस तरीके से। दोस्तों आपको मैं चखाती हूँ किस तरीके से खाने हैं हमने ये। ये देखिए, और मैंने पानी में बूंदी डाली है। ये देखिए, लीजिए
आपके लिए। ये देखिए दोस्तों, मज़ा आ गया दोस्तों, चटपटा कुरकुरे। और आप भी इसको घर पर ट्राई करना, अपने बच्चों को खिलाना, आपके बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। और माँ का मन करता है कि बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिलाऊं, और बच्चे बहुत खुश होते हैं। इसलिए मेरी राय है कि आप बच्चों को हर चीज़ जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं बना के खिलाइए, आपके बच्चों को पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मुझे आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है और मुझे अच्छा लगता है, मैं आगे बढ़ूं, मुझे आप सपोर्ट करिए। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है? ओके बाय।